आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सप्ताह में तीन दिन बंद रहेंगी दुकानें, चैंबर ने लिया लॉकडाउन का फैसला। दूसरी खबर, कैबिनेट की बैठक, राज्य सरकार ले सकती है सख्ती बढ़ाने का फैसला। तीसरी खबर, उलीटी ही पुलिस के गश्ती वाहन पर तलवार से हमला, उपद्रवियों ने पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया। चौथी खबर, कोरोना जांच कराने आया अफीम तस्कर सदर अस्पताल से फरार। पांचवी खबर, कुख्यात अपराधी राजू गोप के एनकाउंटर का आरोप लगाकर परिजनों ने थाने का किया घेराव, करते रहे हंगामा। छठी खबर, गिरिडीह के डाक सहायक के पास मिले 40 लाख, आय से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज। सातवीं खबर, गढ़वा में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से तीन की मौत, भड़का आक्रोश, सड़क जाम। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में तीन दिन दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आपसी सहमति से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उक्त निर्णय लिया है। चैंबर अध्यक्ष कुणाल आजवानी ने कहा कि जीवन के साथ साथ जीविका का भी चलना जरूरी है। व्यवसायियों के साथ बैठक कर काफी विचार विमर्श के बाद चैंबर ने ऐसा निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से खुद एहतियात बरतने की अपील करते हुए जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुधवार 22 जुलाई को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। लगभग एक महीने बाद होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सख्ती और बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण और उनसे बनते हालात पर सरकार की पूरी नजर है, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया बढ़ी है, लेकिन संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के शिव मंदिर लाइन में मंगलवार को पुलिस से गश्ती वाहन पर तीन बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के वक्त वाहन में केवल ड्राइवर बैठा था, जबकि सारे पुलिसकर्मी क्षेत्र में पैदल ही घूमकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। हमले के बाद तीनों बदमाश मौके से भाग निकले। घटना की सूचना के बाद मौके पर तीन थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जांच की। घटना के संबंध में डीएसपी पटमदा विजय महतो ने बताया कि उलीडी थाना क्षेत्र शिव मंदिर लाइन में गश्ती करने पुलिस गई थी। पुलिसकर्मी वाहन से उतरकर क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच क्षेत्र का एक अपराधी सोनू उर्फ चड्डे ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वाहन के शीशे पर तलवार से हमला कर दिया। ड्राइवर गाड़ी में ही था, हालांकि उसे चोट नहीं आई। हमले के बाद तीनों भाग निकले। सूचना मिलने के बाद उलीडी एमजीएम और मानगो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अपराधियों ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच चल रही है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया अफीम तस्कर मंगलवार को हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। फरार अफीम तस्कर नीरज कुमार शहर के किशन मोहल्ला का रहने वाला है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सदर थाने में इस बाबत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार सोमवार को लावालौंग थाना पुलिस ने लमटा मोड़ के पास से 968 किलो डोडा चूर्ण के साथ नीरज कुमार को गिरफ्तार किया था। दरअसल पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे डोडा चूर्ण के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। धुरवा थाने के सीटीओ टीओपी से फरार कुख्यात अपराधी राजू गोप का मामला अब तुल पकड़ रहा है। राजू गोप के परिजन पुलिस द्वारा एनकाउंटर का आरोप लगा हंगामा पर उतर आए हैं। राजू गोप के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने राजू का एनकाउंटर कर दिया है। बता दें कि राजू गोप दो दिन पहले सीटीओ टीओपी से फरार हो गया था। पुलिस के अधिकारी परिजनों को लगातार समझा बुझा रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। लोग राजू गोप को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाने की मांग पर अड़े हैं। बताया जाता है कि राजू गोप को भगाने में पुलिस के ही एक मुखबिर ने मदद की है। मुखबिर क्रशर का संचालक भी है। उसने राजू को भगाने से पहले शर्ट और जीन्स दिया था। राजू गोप के फरार होने के बाद मुखबिर ने तुप्पुदाना थाने की पुलिस को कॉल कर इसकी सूचना दी। उसने कहा कि वह डर गया था, इसलिए समय पर सूचना नहीं दे पाया। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह जिले के बरगंदा उप डाकघर के डाक सहायक पवन कुमार सिंह के पास आय से 40,09,900 रुपए की संपत्ति अधिक मिली है। इस मामले में सीबीआई के धनबाद स्थित एसीबी ने डाक सहायक पवन कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।
एसडीबीआई को सूचना मिली थी कि पवन कुमार सिंह ने गिरिडीह के बरगंदा उप डाकघर में डाक सहायक रहते हुए 25 अक्टूबर 2010 से 21 दिसंबर 2019 के बीच गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति बनाई है। जांच में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई को जानकारी मिली कि उक्त अवधि में पवन कुमार सिंह के पास वेतन एवं ऋण से 32,22,777 रुपए आए। इस अवधि में उन्होंने कुल 24,22,512 रुपए खर्च किए। उनके पास शेष 8,265 रुपए बचे। वहीं जब उनकी चल एवं अचल संपत्ति का आकलन किया गया तो उक्त अवधि में पवन कुमार सिंह ने कुल 48,10,165 रुपए की संपत्ति की पुष्टि हुई। इस प्रकार उन्होंने आय से 40,09,900 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की है। अब नजर डालते हैं आज की सातवीं प्रमुख खबर पर। गढ़वा शहर के पिपरा कला मोहल्ला में निर्माणधीन मकान के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से राज मिस्त्री समेत 3 की मौत हो गई है। एक मजदूर को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सदर अस्पताल के सामने सड़क पर रखकर NH-75 को जाम कर दिया। बताया जाता है कि शहर के पिपरा कला मोहल्ला में एक निर्माणधीन मकान के सेप्टिक टैंक में लगे शटरिंग को खोलकर सफाई की जा रही थी। इसी दौरान दम घुटने से एक कॉर्पोरेटर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर बेहोश हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से सेप्टिक टैंक से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।